अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश बाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। दावत रेसिपीज़ आप लोगों को चाहिए होती हैं, आप लोगों को पसंद भी आती हैं, आप लोग बहुत लाइक करते हैं, तो मैंने आज की जो वीडियो है ना दावत रेसिपीज़ पर बनाई है। अब किसकी दावत है, किसके लिए ये सारी रेसिपीज़ बन रही हैं, ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। फ़िलहाल तो मेरी ये जो बॉटल्स थी ना तेल की, इतनी गंदी हो गई थी, तो रात को ही मैंने इनको धो लिया कि रात को धो लूँगी तो सुबह तक ये होगा कि ये खुश्क हो जाएंगी। इनको उल्टा करके रख दूँगी तो सुबह में मैं इसके अंदर ऑयल को फिल कर सकूँगी। अगर गीली होती है ना तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऑयल जो है उसमें थोड़ा सा पानी का ड्रॉप शामिल हो जाता है, और फिर जब हम उसको यूज़ करते हैं ना तो फिर चर 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 की आवाज़ें आती हैं, और फिर वो हमारे ऊपर उड़ उड़ के भी आ रहा होता है। तो खैर, अब जो है ना यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने निकाल लिया था, यहाँ पर ये एक पीस था, रान नहीं है, ये दस्ती का पीस है बकरे का। तो इसके ऊपर मुझे जो है मसाला लगाना था क्योंकि मुझे इसको रोस्ट करना था। तो एक दिन पहले रात को जो है मैंने ये सब निकाल के इसको पहले वॉश किया अच्छी तरह से, साफ़ सुथरा करना था। इसके ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, वो साफ़ करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है मैरिनेट करके रख देती हूँ ताकि इसको जो है ओवरनाइट का टाइम मिल जाएगा और अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। जितना ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके रखते हैं ना इन चीज़ों को, तो उतना ज़्यादा जो है फ़्लेवर अच्छा आ जाता है। तो खैर, बस मैं यही कर रही थी, सबसे पहले साथ में मैं पुलाव बना लूँगी। और दावत रेसिपीज़ में यही होता है ना कि 3 से 4 चीज़ें हमें लाजमी चाहिए होती हैं, ख़ास तौर से बकरीद की जो दावत होती है उसमें कुछ मटन की रेसिपीज़ होती हैं, कुछ बीफ़ की रेसिपीज़ होती हैं। तो मिला जुला के मैंने आप लोगों के लिए एक तैयार किया है, ये आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और भी मज़ा आने वाला है। तो बस देखिए, मैंने पहले तो कट्स लगा लिए सब जगह पर ताकि मसाला जो मैं मैरिनेट करके यहाँ पे इसके अंदर डालूँगी ना मैरिनेशन, वो इसके अंदर तक जाए और फिर बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका जो जोड़ है ना वो मुड़ क्यों नहीं रहा। अभी आप आगे भी देखेंगे कि इसका जोड़ मुड़ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बकरे का जो दस्ती वाला गोश्त है ना उसके ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि इसके ऊपर मैं निकाल के जो मैंने कितनी लेयर्स निकाली इसके बाद कहीं जाके ये साफ़ हुआ था। और फिर इसके बाद जो है मैंने इसको धोकर कट लगाकर एक तरफ रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी। अगर ऐसे ही मैरिनेट कर देती ना तो फिर बाद में इसका पानी निकलता रहता, सारा मैरिनेशन जो है वो बह जाता। तो अब ये थोड़ी खुश्क हो गई थी ना, तो बस मैं थोड़ा सा इसके साथ कोशिश कर रही थी कि मैं इसकी टांग देख लूँ कि इसकी टांग मुड़ क्यों नहीं रही, क्योंकि जोड़ होता है ना, जोड़ के पास से ये मुड़ता है। तो जाहिर है जो जोड़ वाला हिस्सा होता है वो तो मुड़ना ही चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं मुड़ रहा था। मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रही है। मैंने इसको बना भी लिया और जिसने खानी थी उसने खा भी लिया, लेकिन मुझे अभी तक ये कहानी समझ में नहीं आई है। खैर, अब तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब जो है आगे बढ़ते हैं। और पपीता और जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, पपीता और जिंजर गार्लिक का, ये वो था, उसके क्यूब्स मैंने ले लिए थे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और साथ में मैंने दही शामिल कर दिया है 1/2 पाव के करीब, और दही जो था वो बहुत गाढ़ा वाला था तो वही इस्तेमाल करना है, पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पानी हो दही के अंदर तो कपड़े में डाल के दही को लटका देंगे तो पानी सारा रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से। खैर, मैंने डाल दिया है टिक्का मसाला तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, सिरका डाल दिया है 1/2 टीस्पून के करीब, ये अर्क है सिरके का तो मैंने 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। अगर ये सिंथेटिक सिरका होता ना पानी मिला वाला तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून डालती। लीमू भी डाल सकते हैं लेकिन सिरका जो है ना जल्दी गला देता है, लेकिन यह है कि अगर गोश्त आपका अच्छा हो तो गलता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, गोश्त अच्छा नहीं होता ना तो फिर वो गलता नहीं है। बहुत सारी वजूहत होती हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। वैसे बकरे का गोश्त गल जाता है लेकिन कभी कभी कुछ और मसले मसाइल आ जाते हैं। खैर, नमक भी डाल दिया था मैंने इसके अंदर हसब ज़ायका। तो खैर, अभी भी मैं इसकी टांग को मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों नहीं मोड़ रही है, इसके साथ क्या मसला है। तो बस
जितना भी सारा मैरिनेशन था मैंने कट्स के अंदर और अच्छी तरह से इसको इसका मसाज दे दिया मसाले का, और इसको मैं रख दूँगी ढककर। जो किचन मैंने सफ़ाई की थी ना, इस मैरिनेशन की वजह से थोड़ी थोड़ी वो ख़राब हो गई, तो जल्दी से दोबारा से सफ़ाई की और इसको ढक के रख दूँगी। और अब आ जाता है ये दूसरा दिन। मौसम इतना हसीन हो रहा था, इतना हसीन हो रहा था, लेकिन इस दावत की तैयारी की वजह से मैं कोई इंजॉय भी नहीं कर पाई। तो खैर कोई बात नहीं, दिन बहुत आते हैं और चले जाते हैं। खैर यहाँ पर जो है मैं अब तैयारी कर रही थी सुबह में चपली कबाब की। तो चपली कबाब मुझे बनाने थे ना, तो मैंने सोचा कि इसका जो है मैरिनेशन तैयार करके रख देती हूँ ताकि इसके ऊपर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और फिर जब शाम को मैं एंडिंग पर आऊँ ना तो मेरे पास सब चीज़ें तैयार हो। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये मैंने अनारदाना डाला है इसके अंदर, इमाम दस्ते के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। कीमा मैंने तकरीबन ले लिया था यहाँ पर 1.5 किलो के करीब, और ये जो कीमा आपको प्लेट में नज़र आ रहा है ना, ये पिसा हुआ है 2 बार, और जो उस छलनी के अंदर है ना वो पिसा हुआ है सिर्फ 1 बार। तो अभी मैं आपको आगे जाके इसकी स्टोरी भी बताती हूँ क्यों ऐसा किया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर ले लिए थे 2, उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। और फिर इसके बाद जो है मैंने 1 प्लेट में यहाँ पे प्याज भी चॉप करके रखी हुई है, 1 प्लेट में मैंने यहाँ पर मिर्चें भी चॉप करके रखी हैं। मिर्चें तकरीबन मैंने 5 से 6 ली थी, टमाटर 2 लिए थे, और प्याज जो थी वो दरमियाने साइज़ की 4 ली थी। तो इनको जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। अगर ज़रा सा भी बड़ा चॉप हुआ हुआ होगा ना तो आपके चपली कबाब में से निकल निकल के बाहर आएगा फ्राइंग के टाइम पर, और चपली कबाब टूटने भी लगेंगे। चपली कबाब का क्या होता है ना कि बिल्कुल सॉफ़्ट होना चाहिए, तो सॉफ्टनेस के लिए कीमे का पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा होना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा जो 1/2 किलो कीमा था वो मैंने 1 बार का चॉप किया, जो कीमे का मशीन है मेरा उसमें पहले से ये हुआ हुआ था वैसे, और जो दूसरा वाला कीमा था ना 1 किलो वाला वो मैंने 2 बार चॉप किया है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो बस देखें मैंने इसमें सारी चीज़ें डालना स्टार्ट की है। प्याज को पहले मैंने निचोड़ लेना है और उसके बाद डालना है। सारा पानी प्याज का निकला हुआ होना चाहिए, खुश्क होनी चाहिए प्याज, वरना फिर चपली कबाब टूट जाएंगे। टमाटर में से बीज निकाल के टमाटर काटा है, मिर्चें भी बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई हैं, सब डाल दिया मैंने। अनारदाना इसके अंदर डाल दिया, अनारदाना बहुत अच्छा कूट के डाला है, मोटा मोटा नहीं कूटा है। नमक डाल दिया हसब ज़ायका 1 टेबल स्पून के करीब, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है कुटी हुई, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दी, और ये जो आटा है ना ये है मकई का आटा, ये ख़ास तौर से चपली कबाब में डाला जाता है, मैं घर में इस्तेमाल नहीं करती, तो मैंने सिर्फ चपली कबाब के लिए ही ये आटा मंगवाया था ख़ास तौर से, ताकि मैं चपली कबाब बना सकूं। क्योंकि बाहर से जो मैं जो पैकेट्स मिलते हैं ना मसाले के, मुझे वो इतने ज़्यादा कोई ख़ास पसंद आते नहीं हैं, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाते हैं। जो घर का मसाला होता है ना वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, तो खैर इस वजह से मैं जो है वो रेडीमेड मसाला इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस अब देखें यहाँ पे जो धनिया था ना वो मैंने दरदरा कूट लिया, और धनिया जो है ना बिल्कुल एंड टाइम पर आपको उसी वक्त कूट के डालना है। धनिया में ज़्यादातर तो कूट के रखती भी नहीं हूँ क्योंकि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, उसी टाइम कूट के डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और फिर अभी आगे और चीज़ें भी जाएंगी, लेकिन यहाँ अभी आपको अच्छी सी मिक्सिंग देनी है ताकि टमाटर जो हमने इसके अंदर डाले हैं, जो मिर्ची डाली हैं, जो प्याज डाला है, वो सब एक साथ मर्ज हो जाए। और फिर इसमें जाएगा अंडा। अंडे के साथ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, मुझे कम लग रही थी, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा कम है लाल मिर्च, तो वो भी डाल दी। थोड़ा मुझे मकई का आटा भी थोड़ा ये गीला गीला सा महसूस हो रहा, मतलब बाइंड नहीं हो रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा मकई का आटा भी डाल दिया। तकरीबन इसके अंदर मकई का आटा गया था 4 से 5 टेबलस्पून के करीब भर भर के, तो इतना ही जाएगा 1.5 किलो में। अगर आप बनाते हैं तो आप अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि कीमा आपका जो है ना इस तरह से बाइंड हो जाए, जिस तरह से आटा गूंद लेते हैं ना उस तरह से ये बाइंड हो जाएगा। तब तक आपको जो है मकई का आटा यूज़ करना है, ये बाइंड हो जाए तो मकई का आटा यूज़ करना छोड़ दें। तो बस देखिए मैंने इसको जो है ढक के रख दिया है, मैरिनेट हो चुका है, इसको रख देते हैं, और फिर अब इसको हम बिल्कुल एंड टाइम पर निकालेंगे जब हमें इसकी फ्राइंग करनी होगी। और जब किचन से फारिग हो जाऊंगी तो मैं टिक्कियाँ बना के रख दूंगी। खैर यहाँ पे मैंने ले लिया था ये मटन, ये बड़ी बड़ी मैंने बोटियाँ ले ली हैं, कुकर में डाल दी हैं, इसको मैं 10 मिनट के लिए कुकर में बॉयल कर लूँगी। ये बनाने हैं मुझे हांडी, हांडी के लिए मुझे चाहिए था मटन उबला हुआ, तो सिर्फ पानी के अंदर नमक डाला है और नमक डाल के मैंने इसको कुकर के अंदर चढ़ा दिया है। 15 मिनट में ये गल गई थी, और बहुत अच्छी सी गल गई थी, इतनी मज़ेदार सी गल गई थी कि बस हाथ लगाते ही टूट जाए। मैंने सोचा था कि मैं इसको 80% कुक करूँगी, लेकिन हांडी जो है ना क्विक बनती है, तो मैंने इसको 95% तक उबाल लिया था,
और फिर इसके बाद 5% ये जाके हांडी में बनी थी। अब ये हांडी की रेसिपी आपको तब मिलेगी जब मैं बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं सारी सिर्फ तैयारियां कर रही हूँ, इनिशियल जो तैयारियां होती हैं, फिर एंडिंग पर मैंने हांडी को तैयार किया था। अब ये वाला जो गोश्त है ना, ये है बीफ का, ये मैंने पुलाव के लिए चढ़ा दिया था। इसी कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाला, धनिया डाला, साबुत जीरा डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब, गर्म मसाले सारे डाल दिए 1/4 टीस्पून के करीब, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी, साबुत लौंग मिर्चें डाली थी, साबुत जो मिर्चें होती हैं लाल वाली वो डाल दी थी, और नमक डाल दिया था। ये सब चीज़ें डाल के इसको मैं चढ़ा दूंगी कुकर को। बहुत सारे लोग जो है ना कुकर का पूछ रहे थे मुझसे कि इसका एक्सपीरियंस बताएं, इस्तेमाल बताएं। तो बस देखें क्या होता है कि जो छोटी सी कील लगी हुई है ना, ये जब इसके अंदर प्रेशर बनता है तो कील ऊपर आ जाती है और ये जो वेट है इसमें से धुआं निकलने लगता है, सीटी हिलने लगती है इस तरह से। बस 15 मिनट के बाद ये एक विसल देगा तो मैं इसको जो है बंद कर दूंगी। 15 से 20 मिनट लगते हैं, बीफ़ को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और मटन को 15 मिनट इनफ है। 10 मिनट में भी मटन गल जाता है, लेकिन 15 मिनट दे दें तो बहुत अच्छा गल जाता है। हांडी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था प्याज 2 और 4 हरी मिर्चें ले ली थी और 5, 6, 7, 8 कुछ बादामें थी, इनको छिलका उतार के मैंने यहाँ पर रख लिया है और अब इनको करना है फ्राई। ये हांडी के लिए तैयारी हो रही है। फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया था ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा ऑयल लेकर इसको फ्राई करना है तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा प्याज का। तो प्याज का जो है ना कच्चापन ख़त्म करना लाजमी है। इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसको ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया था। अब कुक करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इस ब्लेंडर के अंदर मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत अच्छा सा आप किसी भी चीज़ में ब्लेंडर में डाल दें, आप जूसर ब्लेंडर में डाल दें, जहाँ चॉपर में डाल दें, जहाँ से भी आपका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए ना, बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन जाए स्मूथ सा, उस इस तरह से आपको ब्लेंड करना है, चाहे आप किसी भी चीज़ से करें। मैंने इससे कर लिया था, ब्लेंड किया, इतनी देर में मेरा ये जो गोश्त था वो भी गल चुका था। अब मेरा हांडी का गोश्त तैयार है, पुलाव का गोश्त और यखनी तैयार है। चपली कबाब जो थी वो मुझे शेप देनी थी तो वो मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई थी किचन में। इतनी ज़्यादा हब्स हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था लेकिन ऑब्वियसली गर्मी भी इतनी ही ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हवा नहीं चल रही थी, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो मैं तो आगे कमरे में बैठी और क्योंकि ये लंबा चौड़ा काम था ना तो फिर मैंने बैठ कर आराम से कर लिया था। फिर ये देखें यहाँ पर जो है रांग मैंने निकाल के, सॉरी दस्ती है, ये रांग नहीं है, दस्ती निकाल के यहाँ पे रखी है ओवन के ऊपर क्योंकि मुझे इसको जो है ओवन के अंदर डाल के रोस्ट करना था। यहाँ पे मैंने बिछा लिया था अपना फॉइल, फॉइल के ऊपर रख दी ये अपनी बकरी की दस्ती और इसको मैंने जो है ना फॉइल को कहीं कहीं से पोक कर दिया था ताकि स्टीम जो है ना इसके अंदर से गुजर कर रांग पर लगे तो ये बहुत अच्छी सी गल जाए। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से ही पकी थी, बहुत इसको थोड़ा टाइम लग गया था, तकरीबन 3 घंटे लग गए थे। यूजुअली जो है 2 घंटे में ये काम हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या मसला था, एक तो इसकी टांग नहीं मोड़ रही थी। बस खैर काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने जो है प्रीहीटेड ओवन के अंदर डाल दिया, नीचे ट्रे के अंदर पानी था क्योंकि इसको मुझे स्टीम रोस्ट करना था ना, तो पानी डाल के मैंने इसको स्टीम रोस्ट किया। इतनी देर में मैंने पुलाव का मसाला भी भून लिया था। पुलाव की रेसिपी मैंने आपको बहुत बार दी है, देकर बोर नहीं करना चाहती थी। अगर आप न्यू हैं, आपने नहीं देखी है, ये बहुत सिंपल रेसिपी है, मेरे राइस वाला जो प्ले लिस्ट है ना उसके अंदर है पानी की टेक्निक, किस तरह से कितना पानी डालना चाहिए, किस तरह से मसाला मैं भूनती हूँ, बहुत ईजी रेसिपी है ये वाइट पुलाव की, मेरे चैनल पर मौजूद है, प्ले लिस्ट बनी हुई है राइस की, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको ना मिले तो आप एंड स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं पूरा प्ले लिस्ट डाल दूंगी। बस इसको मैंने जो है दम पे डालना था और साथ में हांडी की भी तैयारी करनी थी। ये रात की वीडियो है जब मुझे अपनी फाइनल तैयारियां करनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ ये दावत थी किसकी, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको हांडी के बारे में बता दूं कि क्या किया था। मैंने हांडी के अंदर ले लिया था ऑयल तकरीबन 1/2 कप के करीब, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून के करीब और फिर मैंने जो गोश्त उबाल के रखा था मटन वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और जो पेस्ट बना के रखा था ना प्याज बादाम और हरी मिर्च का वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया साथ में, क्योंकि गोश्त उबला हुआ था ना तो मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना था। इसका एक मसाला तैयार करती हूँ मैं। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ले लिया, 1 टीस्पून ही काली मिर्च ले लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। तीनों को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया
बारीक बारीक सा, और फिर इसके अंदर मैंने डाल देना है दही। दही मैंने डाल दिया था, मसाला भी मैंने आपके सामने डाल दिया, नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया था, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गया है। अब यहाँ पर जो है, जब ये थोड़ा सा भुन गया ना 5 से 7 मिनट, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया क्रीम। ये सारी चीज़ें मिलकर इसको इतना रिच टेस्ट देंगी, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। इसको आप चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, चाहें तो वहाँ से ले लीजिएगा। एंड में मैंने इस पर हर जो है देसी घी डाल दिया था, इसका बहुत अच्छा सा एक फ़्लेवर आता है देसी घी का, और देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है हांडी के अंदर। तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाला, और फिर इसको मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 5 से 7 मिनट ही पकी थी, ज़्यादा नहीं पकी थी, बस तेल रिलीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये पुलाव वाइट जो था मेरा तैयार हो गया था, और इतना मज़े का बना था ये, और इतनी जल्दी बन जाता है इस कुकर की वजह से, मुझे इतनी आसानी हो गई है, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। बस अब देखें, मैंने तवा रख दिया है, बिल्कुल ये एंड स्टेज है, और तवे पर मुझे फ़्राई करनी थी अपनी ये चपली कबाब। चपली कबाब फ्राई करने के लिए तेल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चपली कबाब का जो हम कीमा इस्तेमाल करते हैं ना, वो बग़ैर चर्बी का होता है, और बग़ैर चर्बी के कीमे में ही चपली कबाब बनते हैं, तो उसके अंदर ना कोई घी जाता है ना कुछ जाता है, तो फिर तेल जो है फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस क्या करना होता है, चपली कबाब आपने तेल के अंदर डाला, खुले खुले तेल के अंदर, और फिर वो तेल जो है वो उसके ऊपर आप डालते जाएँ, उसको फ्राई करते जाएँ। बस ये फ्राई हो जाएंगी तो थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। भाई ये दावत मेरे घर पर नहीं थी, दावत थी मेरी एक सब्सक्राइबर हुमा काशिफ हैं, वो मुझसे मेरी रेगुलर कस्टमर भी हैं, वो सारी चीज़ें बनवाती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था, और मेरी रेगुलर कस्टमर हैं तो मैं मना भी नहीं कर पाई, तो बस उनके लिए ये मैंने बनाया था। अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से गुजारी हो उनकी दावत। सिर्फ पुलाव मेरे घर के लिए बना था, तो मैंने ये दावत के आइडिया के लिए आपके साथ शेयर कर दिया कि आप अगर दावत करना चाहें तो इस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उम्मीदें पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।